दुर्योधन की जंघा और उसकी कमर का जोड़ अभी भी मानविक है। दुर्योधन को वहां से तोड़ा जा सकता है, परंतु यह धर्म होगा माधव। इस समय धर्म की मांग, कदाचित यही अधर्म है धर्मराज। दुर्योधन का अंत धर्म की मांग है। परंतु माधव, युद्ध के लिए दुर्योधन का प्रस्तुत होना भी आवश्यक है। यदि दुर्योधन हम सबके समक्ष प्रस्तुत नहीं होते तो हमें दुर्योधन के समक्ष प्रस्तुत हो जाना चाहिए। शिविर के भीतर जाने का समय आ गया है। तो कोई भी नहीं। मैं भी दूसरे कक्ष में जाकर देखता हूं। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं नकुल। मैं उस ओर देखता हूं। माधव, दुर्योधन कहीं नहीं मिला, अब हम क्या करें? रक्त और पाप अपने चिन्ह छोड़ ही जाते हैं पार्थ, और यदि रक्त एक पापी का हो तो वो कभी नहीं छिपते। उधर देखो पार्थ, दुर्योधन इस सरोवर में छिपा है। आवाहन दो विकोदर। जानता हूं तुम यही छिपे हो, बाहर निकलो कायर और युद्ध करो मुझसे। सुन रहे हो ना कायर, सामने आओ। क्या इस प्रकार मेरा सामना करोगे?
बाहर निकलो और बंद करो मुझसे। आज तुम्हारे मामाश्री तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए और शीघ्र ही मैं तुम्हें उनके पास भेज दूंगा। अरे वज्र का शरीर लेकर भी भयभीत हो दुर्योधन, पार्वती कर्ण को अपना मित्र कहते हैं ना, किंतु आज यदि कर्ण तुम्हें इस दिशा में देख लेते तो उन्हें भान हो जाता कि उनका मित्र एक शूरवीर योद्धा नहीं बस एक कायर है, और उन्हें लज्जा आएगी उस क्षण पर जिस क्षण उन्होंने तुम्हारा साथ देने का निर्णय किया। मामा से भी बड़े कायर निकले दुर्योधन, विश्वास नहीं होता कि तुम वही दुर्योधन हो जिसे ज्येष्ठ कर्ण हस्तिनापुर का महाराज बनाना चाहते थे। मेरा चयन बिल्कुल ठीक था, दुर्योधन तुमसे बेहतर राजा होगा। दुर्योधन आओ, स्वागत है तुम्हारा। एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि तुम इसी भांति सदैव छिपे रहोगे।
मुझे तुमसे छिपने की आवश्यकता नहीं है भीम, क्योंकि मेरा शरीर वज्र का है, स्मरण है ना? कुछ समय पूर्व क्या दुर्दशा की थी मैंने तुम्हारी, स्मरण है? दुर्योधन सत्य कह रहे हैं विकोदर, दुर्योधन छिप नहीं रहे थे, वो तो जल साधना में लीन थे। ये तैयारी तो युद्ध से पहले की थी दुर्योधन, है ना? अद्भुत, एक बार फिर तुमने मुझे चौंका दिया। मैं जल साधना कर रहा था जो मेरे गुरु गुरु बलराम ने मुझे सिखाया है। आशा करता हूं कि मुझे विलंब ना हुआ हो। जो चाहे साधना कर लो दुर्योधन, परंतु आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बड़े निश्चित हो मेरी मृत्यु को लेकर? आज क्या कोई नया छल लाए हो मेरे लिए? हाँ, कोई छल नहीं होगा, युद्ध करो। उन्हें सोचा नहीं कि कैसे पांडव एक एक करके तुमसे युद्ध कर रहे थे। यही उस वासुदेव कृष्ण की नीति है कि तुम्हें थका कर तुम्हें निशस्त्र कर दे। ठीक, युद्ध होगा, परंतु एक बार में एक ही से होगा, और उससे होगा जिससे मैं चाहूंगा। स्वीकार है। किंतु दुर्योधन, प्रश्न ये उठता है कि तुम युद्ध किससे करोगे? नकुल सहदेव से? हाँ, उचित। नकुल तुमसे दुर्बल है, तो उसको परास्त करना तुम्हारे लिए सरल होगा। और सहदेव ने तो तुम्हारे मामा श्री का वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की है ना? किंतु ये चुनाव करने से पूर्व एक बात सदा स्मरण रखना दुर्योधन, कि नकुल सहदेव का एक प्रहार तुम्हारे 100 प्रहारों से अधिक स्मरणीय होगा, और नकुल सहदेव को तुमसे कहीं अधिक सम्मान मिलेगा। हाँ, कदाचित इस द्वंद में, इस महाभारत में तुम भले ही विजयी हो जाओ, किंतु सदा के लिए तुम अपना मान सम्मान और यश खो बैठोगे दुर्योधन। या तुम अर्जुन का चुनाव करोगे जिसने तुम्हारे मित्र का वध किया, किंतु फिर प्रश्न ये उठता है कि तुम धनुर्युद्ध चुनते हो या गदा युद्ध। यदि तुमने धनुर्युद्ध चुना तो तुम अर्जुन के समक्ष क्षण भर के लिए नहीं टिक पाओगे। और यदि तुमने गदा युद्ध चुना तो समस्त संसार तुम्हें इस अन्यायपूर्ण चुनाव के लिए सदा धिक्कारता रहेगा।
हां, युधिष्ठिर को द्वंद के लिए ललकारना ये अवश्य बुद्धिमानी हो, क्योंकि यदि राजा को मारोगे तो सेना तो स्वयं परास्त हो जाएगी। किंतु ये बात स्मरण रखना दुर्योधन, यदि तुमने ऐसा किया तो समस्त संसार तुम्हें उस कायर की भांति स्मरण करेगा जिसने स्वयं से निर्बल को परास्त करने का विकल्प चुना। अब चुनाव तुम्हारा है दुर्योधन, नहीं चलिए ये फिर तुम्हारा कोई छल है। मेरा चुनाव केवल वो होगा जिसकी मृत्यु मेरे 99 भाइयों के लिए श्रद्धांजलि होगी। परिणाम चाहे जो भी हो, दुर्योधन केवल एक महान योद्धा के रूप में जाना और पहचाना जाएगा। मैं दुर्योधन द्वंद के लिए भीम को चुनता हूं। और इसे मारने के पश्चात मैं एक एक करके बाकी चारों भाइयों को मारूंगा। ये मेरा वचन है। तो प्रतीक्षा किस बात की है दुर्योधन? अब समय ही बताएगा कि तुम मुझे मारकर अपने 99 भाइयों को श्रद्धांजलि दोगे या मैं तुम्हें उनके पास पहुंचा दूंगा। औक्षणी सेना का विनाश हो चुका है काना। आर्यव्रत के सभी महारथी काल के गाल में समा चुके हैं। अब और कितनी आहुति दी जाएगी इस युद्ध में काना? उत्तर दो। बंद करो ये विनाश, बंद करो ये महाभारत। अब नहीं गुरुदेव, मैं इतना कुछ खो चुका हूं कि अब जब तक मेरा प्रतिशोध पूर्ण ना हो जाए यह युद्ध समाप्त नहीं हो सकता। और ना ही मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण होने से पूर्व इस युद्ध को समाप्त होने दूंगा। तुमने जो प्रतिज्ञा दुर्योधन के लिए ली है
अब उसका पूर्ण होना असंभव है। क्योंकि गदा युद्ध में कमर से नीचे प्रहार करना नियम के विरुद्ध है और तुमने प्रतिज्ञा ली है दुर्योधन की जंगा तोड़ने की। कैसी अनीति दाऊ, महामहिम भीष्म के बाणों की शैया पर जाने के पश्चात इस युद्ध में कोई नीति शेष नहीं रही दाऊ। और फिर आपने तो स्वयं को इस युद्ध से विमुख रखा था ना, आप इस युद्ध में भाग नहीं ले सकते दाऊ। ये युद्ध धर्म स्थापना के लिए है दाऊ। मैं यही तो देखने आया हूं कान्हा कि इस धर्म स्थापना के युद्ध में कोई अधर्म ना हो। निश्चित रूप से मैं इस युद्ध में सम्मिलित नहीं होऊंगा, परंतु शरणागत की पुकार सुनना मेरा धर्म है। मैं नहीं चाहता कि कल को संसार ये कहे कि यदुवंश के कान्हा के होते हुए अधर्म हुआ। यदि ये दोनों युद्ध करना चाहते हैं तो करें। इस युद्ध का निर्णायक मैं बनूंगा। और स्मरण रहे, जिसने भी इस युद्ध में नियमों का उल्लंघन करके विजय पाई उसे मैं स्वयं अपने हल से समाप्त कर दूंगा। नियम वही होंगे जो गदा युद्ध में लागू होते हैं। और युद्ध में कोई भी योद्धाओं के मध्य नहीं आ सकेगा। इस द्वंद का विजेता इस युद्ध का विजेता माना जाएगा। अब धर्म स्थापना का भार तुम्हारे कंधों पर है विकोदर। यदि मेरे कंधों पर कोई भार है तो केवल मेरी प्रतिज्ञा का, जिसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा।
युद्ध प्रारंभ करो। अब विजय और पराजय इस द्वंद्व पर निर्भर करेगी महाराज। एक ओर प्रतिशोध है तो दूसरी ओर प्रतिज्ञा। गुरुकुल के दो सर्वश्रेष्ठ गदाधारी आज एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं महाराज, और महाबली बलराम निर्णायक है महाराज। मुझे इस बात में कभी भी संदेह नहीं था संजय कि मेरा पुत्र भीम से श्रेष्ठ गदाधारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा पुत्र भीम को अवश्य परास्त करेगा। परंतु मुझे चिंता थी तो केवल वासुदेव की, कि कहीं वो किसी प्रकार का छल ना करे। परंतु अब गांधारी के वरदान फल स्वरूप न भीम दुर्योधन का कुछ बिगाड़ पाएगा, और हलधर बलराम के मध्य में उपस्थित होने के कारण वासुदेव भी हमारे पुत्र के साथ कोई छल नहीं कर पाएंगे। हस्तिनापुर में उत्सव की तैयारी करो। मेरा पुत्र इस संसार का सबसे बड़ा युद्ध जीत कर आने वाला है। हाँ, तैयारी करो।
साधोमित्र, तुम्हारी विजय निश्चित है। माधव, यदि ऐसा ही चलता रहा तो भीम दुर्योधन के आगे अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। ये द्वंद पूर्ण रूप से दुर्योधन के पक्ष में है। धर्म स्थापना का मार्ग सरल कहां होता है धर्मराज? उसमें अनेकों कांटे होते हैं, अनेकों ठोकरें होती हैं, अनेकों आघात होते हैं। महाबली बलराम अब इस युद्ध के निर्णायक हैं। युद्ध का परिणाम इस द्वंद्व पर निर्भर है। माधव, आप क्या यूं ही देखते रहेंगे? राजा, तो तेरी निश्चित है भीम, फिर क्यों क्यों पराजय के साथ साथ मृत्यु का भी आह्वान कर रहा है? टेक दे, मेरे समक्ष अपने घुटने टेक दे, अन्यथा आज तेरा जीवन मृत्यु के समक्ष घुटने टेक देगा। जब मेरे ज्येष्ठ कर्ण ने मरते समय अपना धर्म नहीं छोड़ा तो उनका यह अनुज कैसे छोड़ सकता है? अब यह युद्ध हम में से किसी एक के मृत्यु के पश्चात ही समाप्त होगा। नहीं, वो तेरा ज्येष्ठ नहीं था, कोई संबंध नहीं था तुम्हारे साथ में उसका, क्योंकि कोई अनुज अपने ज्येष्ठ की इस तरह मृत्यु नहीं करता, वो भी छल से। वो केवल मेरा था, मेरा मित्र था वो, तुम्हारा उसके साथ में कोई संबंध नहीं था कोई संबंध। क्यों पांडव, आनंद आ रहा है? अपने अनुज को ऐसे देखकर आनंद आ रहा है? इसी के सहारे इस युद्ध में विजय प्राप्त करने का स्वप्न देखा था ना तुम लोगों ने? ऐसा दिलाएगा ये तुम्हें विजय? हाँ, देखो कैसे
कैसे निरी लाचार धरती की गोद में धसा हुआ है ये।